Hi, this is Sushi from Creative Mind International Public School. So today I will discuss the next topics in the chapter Understanding Windows. So already I have discussed in the previous class, I have discussed the topics like what is desktop, what is icons, what is taskbar, start button. These topics I have already discussed in the previous class. Now today I will start with selecting and deselecting the icon. So everything in this desktop, this is what? Overall one desktop. Already मैंने बताया है ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सारा का सारा एक desktop है. तो desktop पे ये जो भी ये सब सारे क्या है, small pictures में उसको icon बोलते हैं. तो सब कुछ desktop पे क्या है, एक icon है. अब मान लीजिए हमको किसी भी एक icon को select करना है. मान लीजिए कंप्यूटर एक आइकन है, ठीक है ना, ये क्या है, सिस्टम आइकन है. तो इस सिस्टम आइकन को सेलेक्ट करना, क्या करेंगे, कैसे सेलेक्ट होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे उस आइकन पे. इस आइकन पे क्लिक किए और ये सेलेक्ट करें. मान कंप्यूटर आइकन, मान ली HCL आइकन को सेलेक्ट करना है, सिंपली इस पर क्लिक किए और आइकन सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना. तो आइकन को सेलेक्ट करने का मतलब क्या, वो आइकन हाईलाइट हो जाना चाहिए. अब जैसे ये देखिए, हम लोग प्रोजेक्ट नाम का एक आइकन है, तो इसको सेलेक्ट करने का मतलब ये प्रोजेक्ट आइकन हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है. तो अब देखिए, सिर्फ उस पर जाकर माउस ये जो पॉइंटर है उसको ले जाकर क्लिक कर देना. तो माउस पॉइंटर ले गए और इसको क्लिक कर देंगे, ये देखिए सेलेक्ट हो गया आइकन. अब इसको बोलते हैं आइकन सेलेक्टिंग, आइकन सेलेक्ट करना. और आइकन ना, ये देखिए प्रोजेक्ट आइकन सेलेक्टेड है, माउस पॉइंटर जैसे ही इसे हटाए बाहर क्लिक किए, माउस हमारा क्या हो गया, आइकन जो है डिसलेक्ट हो गया, डिसलेक्ट हो गया. तो इसी को बोलते हैं सेलेक्टिंग द आइकन, डिसलेक्टिंग द आइकन. ये जो हमारा टॉपिक है सेलेक्टिंग एंड डिसलेक्टिंग द आइकन, फिर से एक बार आपको बताते हैं कि जैसे हमारे पास JVM एक आइकन है, JVM आइकन डेस्कटॉप पे दिख रहा है ना, ये JVM आइकन है. तो अब JVM आइकन को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं. JVM मेरे पास एक आइकन है, उस आइकन, ये क्या है, एक इमेज है. अब ये इमेज भी क्या है, आइकन ही होता है, ठीक है ना. वो कुछ भी ले लीजिए, कोई भी फाइल, ये क्या एक फाइल है, दिस इज ऑल्सो एन आइकन. दिस ये क्या है, शॉर्टकट, ये भी एक आइकन है. ये क्या है, इमेज है, दिस इज ऑल्सो एन आइकन. ये क्या है, ब्राउजर है, ये भी एक आइकन है, शॉर्टकट आइकन. ये रिसाइकल बिन क्या है, ये भी एक आइकन. तो मेरा सवाल ये है कि कैसे हम लोग आइकन को सेलेक्ट करें, कुछ करना नहीं है. माउस पॉइंटर या क्या है, ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. तो ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप अभी मेरा माउस है. अब मान लीजिए किसी भी हमको आइकन को सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करें, ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में जो हमारा माउस है उसको ले जाएंगे, जिस भी आइकन को सेलेक्ट करना है उसके जस्ट ले जाकर उसको क्लिक कर देंगे, ले गए और क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास आइकन सेलेक्ट हुआ. मान लीजिए हमारे पास ये जो माई इंटरव्यू करके एक हमारे पास फाइल है, ये क्या है, एक आइकन, इसको सेलेक्ट करना, ले गए माउस पॉइंटर को वहाँ पर जस्ट क्लिक कर दें, हमारे पास सेलेक्ट हो गया. अब हमारे पास जो माई इंटरव्यू करके ये जो फाइल है, ये जो आइकन है, इसको हमको डिसलेक्ट करना. अभी क्या ये सेलेक्टेड है, जैसे ही सेलेक्ट किया कोई भी आइकन तो उसके तरफ चारों, उसके चारों साइड में क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा. और डिसलेक्ट करने का मतलब इसको हम बाहर जैसे ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में ले जाकर माउस पॉइंटर को क्लिक कर देंगे, ले गए माउस पॉइंटर को क्लिक कर देंगे, तो डिसलेक्ट हो गया. अब मान लीजिए कि हमको दिव्यांग जो हमारे पास कोई भी आइकन को सेलेक्ट करना है, एसकेपी आइकन है हमारे पास, ले गए माउस पॉइंटर को एसकेपी आइकन पे, जैसे ही ले गए, ठीक है ना, ले जाकर क्लिक किया, तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया. तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग द आइकन. और डिसलेक्टिंग द आइकन मतलब माउस पॉइंटर वो जो आइकन पे है उसको लाकर बाहर ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप पे क्लिक करने का था, या जो हमारा एसकेपी आइकन था जो सेलेक्टेड था वो डिसलेक्टेड हो गया. सो द दिस टॉपिक इज, फर्स्ट वन इज सेलेक्टिंग एंड डिसलेक्टिंग द आइकन्स इज ओवर. नेक्स्ट टॉपिक इज टुडेज एजेंडा
जो था पहला आज का वो खत्म हो गया। तो सेकंड पॉइंट है आज का डिस्कशन का टॉपिक है सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम, सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम। एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, लगातार जो एक दूसरे से क्रमशः एक दूसरे के बाद आए। तो हमको अब एडजेसेंट कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए एसकेपी आइकन्स क्या हुआ, एक आइकन है। अब एसकेपी आइकन्स का एडजेसेंट कौन है, एससीएल आइकन है। एससीएल आइकन का एडजेसेंट क्या, जास्पर रिपोर्ट है। जास्पर रिपोर्ट के बगल एडजेसेंट कौन है, प्रोग्रामिंग एंटिटी फ्रेमवर्क है। इसके ये जो आइकन है इसके कंजिक्यूटिव में कौन है, रिसाइकल बिन आइकन है। इसके बगल में कौन है, स्टेटिक है। इसके बगल में कौन है, दिव्यांशी वर्मा है। एडजेसेंट कहने का मतलब वन आफ्टर एक दूसरे के बगल में जो हो। तो एसकेपी के बगल में एडजेसेंट कौन है, एससीएल। एससीएल के बगल में कौन है, जास्पर रिपोर्ट। अब कहना मेरा क्वेश्चन ये है, सेलेक्टिंग द एडजेसेंट आइटम्स। एडजेसेंट आइटम्स को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो है एसकेपी आइकन है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसका इस आइकन और इस आइकन के बीच में जो भी आइकन्स हैं, जो भी इनके बीच के एडजेसेंट आइकन्स हैं उसको सेलेक्ट करना है हमको। तो कैसे करेंगे, हमको शिफ्ट की प्रेस करेंगे, हमारे कीबोर्ड में की है शिफ्ट की, उसको प्रेस करेंगे और इस एसकेपी आइकन्स और एच हाइबरनेट आइकन के बीच में जितने भी कॉन्जिक्यूटिव आइकन्स हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा इनिशियल हो गया और ये हमारा हाइबरनेट फाइनल। अब इसके बीच में जितने भी आइकन्स हैं सारे के सारे सेलेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो ये सेलेक्टिंग द एडजेसेंट आइटम, एसकेपी और हाइबरनेट आइकन के बीच में जितने भी एडजेसेंट आइकन हैं सारे के सारे सेलेक्ट होगा। कैसे, फिर से आपको बता रहे, स्टार्टिंग आइकन ये है सेलेक्ट करनी है और पहला हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग आइकन डिसाइड कर लेंगे कौन है, एसकेपी। उस पर ले जाकर माउस पॉइंटर को क्लिक कर दिए। अब शिफ्ट की दबा देंगे, हमारे पास फाइनल आइकन कहाँ कौन सा चाहते हैं, टीचर सुशील कुमार पांडे, ठीक है। तो अभी इस आइकन और इस आइकन के बीच में जितने भी आइकन हैं उन सारे को सेलेक्ट कर देंगे। जस्ट इसको हमको फाइनल जो आइकन है उस पर माउस पॉइंटर ले जाके क्लिक करना है। साथ में हमको शिफ्ट की प्रेस किए रहना है सारे के सारे। देखिए एसकेपी और टीचर सुशील कुमार पांडे आइकन के बीच में जितने भी आइकन से सारे के सारे सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग द एडजेसेंट आइटम्स। ये एसकेपी का एडजेसेंट आइटम्स ये हुआ, इसके एडजेसेंट ये हुआ, इसके एडजेसेंट ये हुआ और इनिशियल आइकन ये था, फाइनल आइकन है। इन इनिशियल और फाइनल आइकन के बीच में जितने भी एडजेसेंट आइटम्स है सारे के सारे सेलेक्टेड हो गए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइटम्स। एडजेसेंट आइटम्स का मतलब लगातार, नॉन एडजेसेंट मतलब इट्स नॉट रेगुलर, मतलब एक दूसरे के बाद लगातार नहीं आएंगे, इरेगुलर मैनर में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइटम्स को हमको सेलेक्ट करना है। तो फिर एग्जांपल से देख करते हैं कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एसकेपी आइटम्स को सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, ये ले गए माउस पॉइंटर उस पर क्लिक कर दिए। अब हमको नॉन एडजेसेंट आइटम्स मतलब लगातार नहीं, अब एसकेपी के बाद हमको एचसीएल को भी नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब हम क्या चाहते हैं, एसकेपी के बाद, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब लगातार, नॉन एडजेसेंट मतलब लगातार नहीं। अब हमको फर्स्ट आइकन है एसकेपी, उसके बाद हम लोग कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, माउस जो हमारा कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल की है उसको हम लोग प्रेस करके रखेंगे। और किसको अब हम चाहते हैं, सेकेंड किसको, दिव्यांशी वर्मा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जाके माउस पॉइंटर से क्लिक कर दिए। थर्ड कौन सा चाहिए, प्रोजेक्ट को, माउस पॉइंटर को लेकर क्लिक कर दिए। फिर किसको चाहते हैं, वोटर आईडी रेफरेंस को, इसको क्लिक कर दिए। फिर किसको चाहते हैं, मेकिंग जावा ग्रुपी, क्लिक कर दिए, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट हुआ और उसके बाद हमको दिव्यांशी वर्मा को सेलेक्ट करना था, उसके बाद हमको प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना था। तो ये सब क्या है, नॉन एडजेसेंट, लगातार नहीं है। ये फर्स्ट यहाँ पे है, सेकेंड इसको सेलेक्ट किया, थर्ड इसको सेलेक्ट किया, फोर्थ इसको सेलेक्ट किया, तो ये नॉन एडजेसेंट। तो इसके लिए हमको करना, जो हमारा कीबोर्ड उसमें कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, तो ठीक है ना। इसको बोलते हैं नॉन एडजेसेंट
सेलेक्शन, सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइकन्स, नॉन एडजेसेंट आइकन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइकन्स, सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइकन्स एंड सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइकन्स। तो सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शिफ्ट की, शिफ्ट की का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको यूज कर तो सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल की का यूज करते हैं, कंट्रोल की का यूज करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम। अब हमारे पास अगला टॉपिक है हाउ कैन वी ओपन अ प्रोग्राम, हाउ कैन वी ओपन अ प्रोग्राम और हाउ कैन वी ओपन एनी आइकन। सो हाउ कैन वी ओपन अ आइकन और अ प्रोग्राम। तो सपोज दिस प्रोजेक्ट आइकन, दिस इज वन आइकन, आई वॉन्ट टू ओपन दिस आइकन। सो जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, माउस पॉइंटर उस पर ले जाए, वो क्या होगा, प्रोजेक्ट आइकन सेलेक्टेड हो गया, क्यों, क्योंकि चारों तरफ उसके रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। सेलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, देखिए चारों तरफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा, कोई भी आइकन ले जाइए, किसी भी आइकन पर लेके सेलेक्टेड हो गया। अब हमको क्या करना है, ओपन करना आइकन को। तो पहले तो ले जाके तो माउस पॉइंटर को ले गए उस आइकन पे, ये सिलेक्टेड हो गया, और हम क्या करेंगे, एंटर की है हमारे पास माउस, एंटर की हमारे कीबोर्ड में उसको प्रेस करेंगे, एंटर की, ठीक है ना। तो हमारे पास ये ओपन हो गया और दूसरा हमारे पास ये क्लोज हो गया, क्लोज कर दिए। पहला कैसे ओपन करेंगे, माउस पॉइंटर को ले गए, माउस पॉइंटर पे ले गए, उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास एंटर की है, एंटर की दब प्रेस कर दिए, एंटर की प्रेस कर दिए। और दूसरा हमारे पास है ये देखिए, अब ये फाइल है एक, ये जो आइकन क्या है ये ओपन हो चुका। अब इस आइकन को हमको क्लोज करना था, यहाँ पर देखिए एक क्लोज बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्लोज हो गया। अब दूसरा सेकेंड तरीका भी हमारे पास ओपन करने के लिए, माउस पॉइंटर को ले गए, इस आइकन को सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक कर दिए माउस पे, ठीक है ना, माउस पॉइंटर को ले जाकर डबल क्लिक कर दिए, तो भी खुल जाएगा, या तो एंटर की प्रेस करेंगे या डबल क्लिक। ये हो गया हमारा क्लोज, ये जो फाइल है वो जो आइकन ओपन है उसको क्लोज करना होता है, यहाँ से मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, यहाँ पर देखिए मिनिमाइज, तो ये मिनिमाइज हो गया। अब यहाँ पर टास्क बार में ये इसको क्या होगा, टास्क बार में आ गया मिनिमाइज होने के बाद, इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर लिखे तो मिनिमाइज होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कैसे भी किसी भी ओपन प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो ये कैसे क्लोज होगा, यहाँ से क्लोज होगा, यहाँ से मिनिमाइज होगा, ठीक है। अब है कि आइकन जो होते हैं कैसे, जो डेस्कटॉप पे आइकन्स है उसको अरेंज करना, अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स, अरेंजिंग द, हाउ टू अरेंज, अरेंजिंग द डेस्कटॉप इन द डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन। तो पहला बात है कि डेस्कटॉप क्या होता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं डेस्कटॉप क्या होता है। ये जो होल हमारा मॉनिटर दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, डेस्कटॉप ही है। टोटल जो हमारा दिख रहा है विंडोज 7 का लोगो जो दिख रहा है ना, तो ये क्या है कि टोटल का टोटल डेस्कटॉप है। और ये सब जो डेस्कटॉप के स्मॉल स्मॉल पिक्चर दिख रहा है वो क्या, आइकन है। अब सवाल यहाँ पे है कि कैसे हम आइकन्स को अरेंज करेंगे, ये जो आइकन है उसको अरेंज करना अगर तो कैसे करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे कहाँ पर, ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, हमारा ब्लैंक एरिया पर ये जो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये क्या ब्लैंक एरिया पर डेस्कटॉप है। तो बोल रहे हैं कि राइट अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरेंजिंग द। अब क्या करेंगे, हमारा ब्लैंक एरिया पर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, तो राइट क्लिक किए तो ये क्या हुआ, ये जो मेनू आ रहा है, ये जो मेनू है ना, इस मेनू का एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू। क्या बोलते हैं मेनू को,
राइट क्लिक किए, ब्लैंक एरिया आपका डेस्कटॉप ये है। अब ये जो हमारा मेनू आ रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू। तो क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट मेनू, और इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेनू। ये जो हमारा मेनू जो दिख रहा है, अभी बता रहे हैं आप लोगों को, ये जो मेनू दिख रहा है ना, कौन सा मेनू, ये देखिए, ये जो मेनू दिख रहा है ना, तो ये जो मेनू है, इस मेनू को मतलब बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू और शॉर्टकट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू और शॉर्टकट मेनू इसी को बोलते हैं। तो हमारा पास है कि कैसे आइकन्स को अरेंज करेंगे। तो ब्लैंक एरिया का डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया उसके बाद हम लोगों पे एक लिस्ट ऑप्शन, ये जो क्या है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट आइकन्स और कॉन शॉर्टकट आइकन बोल सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट मेनू बोल सकते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ हमारे पास ऑप्शंस आ गया, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है ना, तो इस लिस्ट ऑफ ऑप्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू और शॉर्टकट मेनू। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि शॉर्टकट मेनू क्या होता है या कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या होता है, ठीक है ना। और ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट आइकन, शॉर्टकट मेनू एंड कॉन्टेक्स्ट मेनू। शॉर्टकट मेनू और कॉन्टेक्स्ट मेनू सेम ही है, ठीक है। अब ये हुआ कि अब हमको यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू, व्यू में गए। अब उसके बाद हमारे पास ऑटो अरेंज आइकन्स है, हम लोग आइकन्स को है अरेंज करना है, तो बड़ा बड़ा आइकन्स को करना है, तो लार्ज आइकन्स, यहाँ से हमारे पास सारे के सारे आइकन्स बड़े हो गए। अगर राइट क्लिक किए ब्लैंक एरिया पर, डेस्कटॉप ऑप्शन हमारा छोटा, अगर राइट क्लिक किए व्यू में गए, ठीक है ना, व्यू ऑप्शन में गए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में, या हम बोलेंगे शॉर्टकट मेनू जो है उसमें व्यू ऑप्शन पे गए और मीडियम आइकन्स कर देते, हमारे सारे के सारे आइकन्स क्या होगा, मीडियम होगा। और हम फिर से देखिए, राइट क्लिक किए ऑन द ब्लैंक एरिया पर, डेस्कटॉप व्यू में गए, जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेनू है या शॉर्टकट मेनू है उसमें व्यू ऑप्शन में गए और स्मॉल आइकन, तो सारे के सारे हमारे पास आइकन स्मॉल हो गए। राइट क्लिक किए व्यू में गए और ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन है इसमें, तो सारे के सारे ऑटो अरेंज हो गए, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यही है अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। तो अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स कैसे परफॉर्म कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पर डेस्कटॉप माउस से किए, फिर व्यू में गए, ये जो आया ऑप्शन इसको क्या बोलते हैं, सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू या शॉर्टकट मेनू। अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट मेनू में या शॉर्टकट मेनू में व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, हमारे पास तीन चीज परफॉर्म कर सकते हैं, लार्ज आइकन से बड़े हो गए आइकन, छोटा करना है तो मीडियम आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर देखिए हमारे पास स्मॉल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको बोलते हैं अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। अगर हम लोग डेस्कटॉप के आइकन्स को शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेम, तो कैसे करेंगे, या ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द आइकन्स और ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप और डेट मॉडिफाइड, सो बहुत सारा ऑप्शन है। तो कैसे, अभी इससे पहले बताए थे हम अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स, आइकन्स को कैसे अरेंज करना है, अब बताएंगे सॉर्ट कैसे करना है। राइट क्लिक किए, अब हमारे पास सॉर्ट बाय ऑप्शन है, कॉन्टेक्स्ट मेनू में सॉर्ट बाय ऑप्शन, तो सॉर्टिंग कर सकते हैं ये सारे सारे आइकन को, देखिएगा बाय नेम, ये ऑलरेडी ये नेम पे बेसिस पे हुआ, अब हम कहते हैं बेसिस ऑफ साइज पे, देखिए साइज के बेसिस पे हो गया, ठीक है। अब राइट क्लिक किए सॉर्ट बाय आइटम टाइप के बेसिस पे हो गया, राइट क्लिक सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड के बेसिस पे हो गया ये, राइट क्लिक सॉर्ट बाय नेम के बेसिस पे हो गया। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग द आइकन्स, आइकन्स को सॉर्ट करना है, ठीक है ना। तो कैसे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, फिर से देखिए राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप और कॉन्टेक्स्ट मेनू विल कम और शॉर्टकट मेनू आएगा, देन हम लोग सॉर्ट बाय ऑप्शन में जाएंगे एंड देन वी विल गो टू आइदर नेम और साइज और आइटम टाइप डेट मॉडिफाइड। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो सॉर्ट बाय कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑप्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने सब ऑप्शन है, शॉर्ट बाय ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कितने
हमारे पास सब ऑप्शन है, तो सॉर्ट बाय हम कर सकते हैं बाय नेम, बाय साइज, बाय आइडेंटिफाई, बाय डेट मॉडिफाइड, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो दिस वन इज सॉर्टिंग द आइकन्स, आइकन्स को कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम लोग डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं ये बता रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पर्सनलाइज ऑप्शन, कॉन्टेक्स्ट मेनू किसी को बोलते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट मेनू, राइट क्लिक करेंगे ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप पे आएगा मेनू ऑप्शन, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ मेनू है, लिस्ट ऑप्शन आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग लिस्ट ऑप्शन। राइट क्लिक करेंगे तो लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट ऑफ ऑप्शन है, जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑफ, कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेनू, शॉर्टकट मेनू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेनू में जा कहेंगे कहां पर, पर्सनलाइज ऑप्शन में, पर्सनलाइज ऑप्शन में, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पिक्चर लोकेशन है, इस पर सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर लाइब्रेरी में सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिसलेक्ट किए, और यहाँ पे हम लोग ब्राउज किए, और हम लोग जा रहे हैं अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में। अब जैसे देख लीजिए कि हम लोग कंप्यूटर में हो गए, जैसे फिर हमारे पास जावा में ड्राइव में गए, और मतलब हमें फोटो दिख रहे हैं कहाँ पर है नॉर्मली, तो ओवरऑल में हम जाएंगे, मेरे पास एक ओवरऑल है, इसमें गए। अब देखेंगे कि यहाँ पे अनवी में गए, यहाँ पे पांडे में गए, अब देखिए सारे के सारे ये फोटो सेलेक्टेड है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को फिर से बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज कर देगा। तो कैसे हम लोग डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेनू आ जाएगा, इसको कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं। फिर हम लोग पर्सनलाइज पे क्लिक कर देंगे, फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पिक्चर का लोकेशन, ब्राउज किए और अपना पिक्चर सेलेक्ट कर देंगे, जो भी हमको सेलेक्ट करना अपना पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं अपना कुछ पिक्चर लगाना, ठीक है ना। अगर हम अपना पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पर सेव चेंजेस, यहाँ पर आइए, अब देखिए आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो गया। कैसे किए ध्यान से देखिए, राइट क्लिक ऑन द माउस, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, कॉन्टेक्स्ट मेनू आया, पर्सनलाइज पे क्लिक किए, फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक किए, फिर हमको जो सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किए, सेव चेंजेस पे क्लिक किए, आइए मिनिमाइज कीजिए और देखिए विंडो का बैकग्राउंड ये हो गया। अगर मान लीजिए हम अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप में राइट क्लिक किए, पर्सनलाइज में गए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में गए, और देखिए यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज का ऑप्शन है, गए हम अपने कंप्यूटर में अपना पिक्चर खोजेंगे, कहाँ पर है, मैंने रखा है अपना कंप्यूटर में पिक्चर कहाँ पर, यहाँ पर समथिंग का ओवरऑल, ओवरऑल में अनवी, और अनवी के अंदर है पांडे, इस पर क्लिक किए, ओके। अब देखिए मेरा लिस्ट ऑफ पिक्चर्स आ चुका है, जिस पिक्चर को आपको बैकग्राउंड में लगाना है उसको लगा सकते हैं। देखिए मैं अपनी सिस्टर का पिक्चर लगा करता हूँ, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट किए, सेव चेंजेस किए, ठीक है, गए यहाँ पर देखिए। अगर फॉर एग्जांपल हम देखिए एक बार लास्ट फिर बता रहा हूँ, पर्सनलाइज पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में पर्सनलाइज पे जाएंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये है। अब यहाँ से देखिए एक और ऑप्शन है, फिर से आपको बता रहा, देखिए मान लीजिए इस इमेज ना सेलेक्ट करके आपको ये इमेज चाहिए, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे सेव चेंजेस किए, तो देखिए हमारे पास डेस्कटॉप का बैकग्राउंड ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। अब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक किए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, उसको यहाँ पे फिट सेलेक्ट कीजिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए और देखिए मिनिमाइज कीजिए, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जाइए फिर से और देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाइए, सेलेक्ट कीजिए, ये फोटो ही सेलेक्टेड है ऑलरेडी, फिट की जगह स्ट्रेच कर दीजिए, सेव चेंजेस यहाँ पे कीजिए, देखिए डेस्कटॉप का बैकग्राउंड ऐसा कुछ हो गया, खिंचा आ गया आपको, खिंचा हुआ आ रहा है, ये सही नहीं लग रहा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में गए, स्ट्रेच की जगह हम लोग टाइल कर दिए, ठीक है ना, सेव चेंजेस किए और यहाँ पे गए, देखिए अब इस तरह से कुछ हो गया डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब एक इमेज कट ये हो गया, डिवाइड डिवाइड होकर सेम ही इमेज आया, ठीक है ना। इसको हम लोग बिट मैपिंग बोलते हैं, बिट मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। हायर क्लास में जाइएगा तो आपको पता चलेगा ये, ठीक है। अब सेंटर में करना है तो हम लोग सेंटर सेलेक्ट कर दिए और सेव चेंजेस कर दिए, तो बंद कीजिए, देखिए आपका इमेज इस तरह से होता रहा, ठीक है ना। तो फाइनली अब देखिए कैसे, लास्ट समझिए कि हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। स्टेप क्या है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, कॉन्टेक्स्ट मेनू जो है अपीयर करेगा, कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा, कॉन्टेक्स्ट मेनू में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, पर्सनलाइज को क्लिक किए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में गए, ठीक है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाके सपोज मैं अपनी मदर और फादर को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सेंटर ऑप्शन सेलेक्टेड है, पिक्चर पोजिशन में सेव चेंजेस किए, ये देखिए सेंटर पोजिशन में आ जाएंगे, ये सेलेक्ट हुआ तो डिसलेक्ट करेंगे, सेंटर सेलेक्ट किए यहाँ पे, ठीक है, सेंटर है, सेव चेंजेस किए और मिनिमाइज कीजिए, देखें, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग फिर से देखिए, अगर डेस्कटॉप बैकग्राउंड में गए, सेंटर में गए और टाइल में कर दिए, सेव चेंजेस किए थे, तो एक ही इमेज छोटा छोटा होगा, बहुत सारा हो जाएगा, तो ये दो में हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द स्क्रीन सेवर ऑप्शन, स्क्रीन सेवर ऑप्शन।